अच्छा जी, अब हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है, विच इज ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो अगेन हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और यहाँ पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज एज फॉलोज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब आप देखिए ऑक्सीजन में 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 तो यहाँ पूरे हो गए, और जो बाकी 4 बचते हैं पहले एक एक अकोमोलेट होगा और फिर 8वां इलेक्ट्रॉन अकोमोलेट हो जाएगा 2px में, ठीक है। तो अब आप देखिए इसकी भी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले दोबारा से शेप्स बनानी है, पहले 2s की शेप बनाएंगे, फिर 2px की, फिर 2py की और फिर 2pz। तो आइए जनाब सबसे पहले 2s की शेप देखते हैं। 2s इज समथिंग लाइक दैट, उसके बाद ये आपके पास है 2px, फिर है 2py और फिर है 2pz। जी हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp3 चल रही है, तो एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इसके रिजल्ट में आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिनमें देयर वुड बी 25% ऑफ s कैरेक्टर, 25% ऑफ s कैरेक्टर, एंड देयर वुड बी अ 75% ऑफ p कैरेक्टर। और हम लोग इनको, इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरह से जाहिर कर लेते हैं, इस तरह से जाहिर कर लेंगे। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3 और sp3। और अब आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा रहे हैं, 2, 2, 4, 5 और 1, 6। तो भाई दो ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विद ऑपोजिट स्पिन, और बाकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्टेट। ये आपके पास बन गई क्या बेटा, हाइब्रिड स्टेट बन। अब ऑक्सीजन इज योर सेंट्रल एटम, और इसके इर्द गिर्द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। अब जरा देखते जाइए, कोई से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना लें जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉन शो कर दें, और जो बाकी हैं दो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दें। हर एक का नाम क्या होगा, sp3 और sp3। और वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है s, और s ऑर्बिटल इन हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप कर देगा। दिस इज एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। This is area of overlapping, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन जरूर दिखाएं। अब आप देखिए, this is also a tetrahedral structure, but this is little more bent। ये अब bent ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो लोन पेयर्स हैं। वी आर हैविंग टू लोन पेयर्स। आपको याद होगा मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं था, चार इलेक्ट्रॉन पेयर थे, चारों ही बॉन्ड पेयर थे। वहाँ बॉन्ड एंगल क्या था, 109.5 डिग्री। वो अमोनिया के केस में एक लोन पेयर आ गया,
बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया, 107.5 डिग्री हो गया। यहाँ पर दो लोन पेयर्स आ गई,